हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन कई मुद्दों को विपक्ष ने पुरजोर ढंग से उठाया। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौकर ने अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में दिया और कहा कि HPSC का अपना पाठ्यक्रम है, सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। ठीक है, जिन्होंने प्रस्ताव जो पॉलिसी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट, अब तक जहां तक अध्यापक हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, लेकिन अभी जो 1693 में से 1300 का अनुभव कहना है, अभी ऐसा कोई प्रावधान अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कहा है इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसका स्वागत भी करते अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो। बाकी जो गेस्ट टीचर्स जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होम डिस्ट्रिक्ट के लिए विलिंग तो मांगी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हम जल्दी से जल्दी अगर ऐसा पॉलिसी है तो हम इसका स्वागत करते हैं, इसको लागू कर दिया जाए। साथ साथ एक मेरा क्वेश्चन है इसके संदर्भ में, साथ साथ ही जो PG टीचर की 2019 में भर्ती की गई का विज्ञापन दिया किया गया था, उसके बाद 2022 में उसको HSC से HPSC में तब्दील कर दिया गया, और HPSC तब्दील करने के बाद अब फरवरी में उन्होंने विज्ञापन दिया था उनके एग्जाम होंगे, अब उसको चेंज करके, उस पॉलिसी को भी चेंज करके उन्होंने, पहले ऑब्जेक्टिव था, अब उसको ऑब्जेक्टिव से मोरल वो कर दिया गया, तो उसने ऑब्जेक्टिव से अब रिटर्न में कर दिया गया। उनकी जो तैयारियां थी वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप से थी, अब उनका जो रिटर्न टेस्ट रखा गया, तो उनकी ये मांग है स्पीकर साहब के माध्यम शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा, उसको जो बच्चों तैयारी 19 से उस लगातार उस तैयारी में लगे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अब उन्हें उनको रिटर्न में कर दिया गया, अब उस तैयारी ऑब्जेक्टिव की तो रिटर्न में कैसे किया, अब मार्च में उनको डेट विज्ञापन डेट रखी गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध आपके माध्यम से वो PG टीचर की बात को मद्देनजर रखते हुए उस विज्ञापन को चेंज करके, उस जो भी डेट का हमें कोई नहीं, सरकार जिस टाइम चाहे जिनको फिजिबिलिटी जिस इनको सहूलियत है उसके अनुसार एग्जाम लें, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव से रिटर्न में तब्दील किया गया तो उसको लिए उनका बड़ा दिक्कत है। तो हो सकता है आपके, मैं कहना चाहूंगा सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से, उनको ऑब्जेक्टिव टाइप से ही उनका एग्जाम लिया जाए, ताकि उनकी तैयारियां उसी हिसाब से हो चुकी, उस हिसाब से लागू हो। ये मेरी आपसे माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को। अध्यक्ष महोदय मैं इंटरव्यून करता हूँ। HPSC अपने आप एक ऑटोनोमस बॉडी है, सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स, उस नाते से वो अपना प्रोसीजर अपने आप तय करते हैं। इतना है कि ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है, कोई उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तब तो हमको कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन किस प्रकार का वो एग्जाम लेंगे, कैसे लेंगे, क्या क्वेश्चन है, उनके अपने पाठ्यक्रम होते हैं और वो पाठ्यक्रम पब्लिश करते हैं एडवर्टाइजमेंट के साथ कि ये पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम के बाद जब उतना समय होता है कि उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव लेंगे, लिखित लेंगे, ये काम HPSC का, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के बाद 8,41,000 परिवारों का राशन बंद हो जाने का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिया। 8,41,000 परिवार हैं जिनको जनवरी में राशन नहीं दिया गया, ये मेरे ख्याल से 35% के करीब जो है हमारे परिवार हैं जो परिवार पहचान पत्र के आइडेंटिफिकेशन के बाद इनको राशन का मिलना बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से सर सरकार से जानना चाहूँगा कि इनकी रिड्रेसल के लिए या इनकी ग्रीवेंस के लिए जो परिवार पहचान पत्र CHC ने बना के उसको जो है वेरीफाई करके और उस चीज़ को इनकम का क्राइटेरिया लगा के और जो वंचित रखा गया है, क्या सरकार इसके ऊपर कोई गंभीरता से प्रयास कर रही है कि जो लोग वंचित हो गए इतने बड़ी संख्या में, जो पहले जिनको राशन मिल रहा था उनको क्या मतलब, किसी तरीके से उनको क्या मतलब कर, क्या ये पोर्टल पे क्या ग्रीवेंसेस करा है। सदस्य ने जो जवाब मांगा था वो स्पेसिफिकली जनवरी के लिए था, और जनवरी के अंदर बिल्कुल 8,41,000 ऐसे थे जिनने हमारे पोर्टल के ऊपर रिवीजन के लिए डाला गया था कि उनका PPP वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, रीवेरिफिकेशन चल रहा है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा, दिसंबर में 9,62,000, जो मैंने पिछले सेशन में भी रिप्लाई किया था कि लगभग राशन कार्ड ऐसे थे जो कटे थे, उनके बदले में 12,46,507 राशन कार्ड नए बने थे। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पार्ट 2 के दौरान अलग अलग मुद्दों को लेकर
पक्ष विपक्ष के बीच सवाल जवाब हुए। कई मौकों पर सूबे के मुखिया मनोहर लाल मोर्चा संभालते हुए भी नजर आए। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।